नगर पालिका निर्वाचन के वार्ड क्रमांक 24 रानी दुर्गावती वार्ड के कर्मठ समाज सेवी और ईमानदार निर्दलीय प्रत्याशी यादवराव डोबले को चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। यादवराव डोबले के चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका निर्वाचन के वार्ड क्रमांक 28 जलाराम वार्ड की जागरूक ईमानदार और सक्रिय निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सुनीता यादवराव डोबले को चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। श्रीमती सुनीता यादवराव डोबले के चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 टेकड़ी वार्ड से भाजपा के युवा समाज सेवी हर पल मदद के लिए तैयार रहने वाले उम्मीदवार महेंद्र भीमराव घोड़े को चुनाव चिन्ह कमल की बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। मतदान का दिन 27 सितंबर भूल न जाना। महेंद्र भीमराव घोड़े को चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका परिषद पांडुर्ना के वार्ड क्रमांक 17 वसई वार्ड से मेहनती ईमानदार कर्मठ भाजपा उम्मीदवार सौ भगवती बाई राजेश कुंडे को चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। वसई वार्ड से भाजपा उम्मीदवार सौ भगवती बाई राजेश कुंडे को कमल का बटन दबाकर है जिताना। श्री संत मुकाबाबा सभागृह तिगांव में आयोजित वैदिक किसान सभा में वैदिक पद्धति से खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। यहां सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी और SCT वैदिक जनक राम मुखेकर ने इस बारे में उपस्थित किसानों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया कि खेती को लगातार होते नुकसान के कारण कई जगहों पर किसानों को सम्मान से नहीं देखा जा रहा है। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, यह आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। वैदिक पद्धति से खेती को फिर से समृद्ध बनाया जा सकता है। उन्होंने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने पर जानकारी देते हुए बताया कि कम लागत में उच्च गुणवत्ता का उत्पादन इस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा किसान से जुड़े और इससे लाभ उठाएं। जो भी हमने कच्चा बनाए उसका अभी हम बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं सिर्फ एक ही उम्मीद है कि हर किसान तक ये पहुंच जाए और उसकी खेती अच्छी हो। उन्होंने किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर से दूर रहने की सलाह दी। कम लागत में उच्च क्षमता का उत्पादन लेना वैदिक खेती का मुख्य लक्ष्य बताया। इस मौके पर तिगांव और आसपास के गांव के किसान उपस्थित थे। जानवी स्टील फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स घरेलू और ऑफिस के लिए ब्रांडेड वस्तुओं के एकमात्र विक्रेता। स्मार्ट लोगो की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर। शादी की खरीदी करनी हो या घर का सामान आपकी पहली पसंद दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार। एक बार खरीदी करने अवश्य पधारे। स्थान पुलिस थाना के पीछे पांडुर्ना। शहर की सेलिब्रिटी आर्टिस्ट किरण फरकसे को अभिनेत्री ईशा देओल और बिदाई सीरियल फेम कलाकार सारा खान ने नागपुर में सेलिब्रिटी मेकअप एंड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। नागपुर के मशहूर रेजेंटा सेंट्रल होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में गोल्डन विंग्स द्वारा अवार्ड शो का आयोजन किया गया था। किरण ने बताया कि सेलिब्रिटी आर्टिस्ट के हाथों अवार्ड पाकर उन्हें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इस अवार्ड शो में मुंबई मलेशिया दुबई से बड़े बड़े मेकअप सेलिब्रिटी पहुँचे थे।